प्यार भरा और दिल में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। श्रृंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, श्रृंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, तू सादगी जूलों की, तू सादगी का गहना, तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत, मैं देखूं बार बार, मन में प्यार भरा श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, हाय कितनी सुंदर हो। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। भाई भारत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हैप्पी वुमेन्स डे। सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी वुमेन्स डे। आज हम न्यूज 5 भारत जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, हम भी, जिन्होंने आज होम्स 1-1 सेक्टर 1-1 में एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म हमें दिया। उसके लिए थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। न्यूज 5 ऑल ब्यूटीफुल लेडीज, ये हैप्पी बर्थडे। अच्छा, जो कभी मत बांटो मुझे मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों में, मैं माँ हूँ। मत बांटो मुझे मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों में, पहले ही तुम बांट चुके मुझे आंगन डेहरी चौबारों में। और यह भारत देश है जहाँ के बारे में आपने सुना, कहा जाता है कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ 21 के जितने भी निवासी हैं वो सेक्टर 121 में आज इसका भरपूर आनंद लेंगे। आज हम इसका पूरा पूरा अनुभव करेंगे। हर कवि, हर कवियत्री, हर भाषा, हर शब्द कुछ ऐसा होगा जो दिल को छू के जाएगा। तो क्या आप सब उसके लिए तैयार हैं? हमारे पार्टिसिपेंट्स तो तैयार हैं। क्या उनको सुनने के लिए, क्या उनकी भावनाओं को समझने के लिए, क्या अपना कोई ऐसा दृश्य जो याद आ जाए, उन यादों में डूबने के लिए क्या हम तैयार हैं? आवाज़ नहीं आई, ये बिना तालियों के मुझे सुनाई नहीं देता। जब तक ताली ना बजे तब तक मेरे कानों तक आवाज़ नहीं आती। आई वुड लाइक टू थैंक माई AOA
एंड न्यूज 5 भारत चैनल फॉर कवरिंग अस, फॉर मेकिंग अस फील स्पेशल एंड मेकिंग आवर डे टुडे. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. उन्हें अप्रिशिएट करने का, आज हमारे बीच में जितनी भी महिलाएं हैं वो किसी ना किसी फील्ड में कुछ बहुत ही अच्छा कर रही हैं, और हमें बहुत ही कम मौके मिलते हैं जब हम अपने सखियों को अप्रिशिएट कर पाते हैं. तो आज की पूर्व संध्या पे, महिला दिवस की पूर्व संध्या पे, मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ. एक कविता आप सबके लिए. चंचल बादलों सी, मासूम गुलाबों सी, कभी शांत तो कभी शैतान हो जाती है. सारा घर जगमगा जाता है जब जब वह मुस्कुराती है. डरी सहमी सी, कितने नए सपने लिए विदा हो जाती है. बेटी बहन पत्नी माँ बन, एक नहीं दो दो घरों की शान बढ़ाती है. लड़की ही है जो खुद बदल, नया आसमां रोज बनाती है. हम खुश नसीब हैं जो लड़कियां कहलाती हैं, नारी कहलाती हैं, महिला कहलाती हैं. मेरी जितनी भी सखियां हैं वो अपने अपने विचार व्यक्त करेंगी, और आशा करती हूं कि आप लोग तहे दिल से और तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगी. तो एक बार जोर से जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत कीजिए, और उत्साहवर्धन के लिए एक बार जोर से, मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही है, और ज़ोर से इतनी तेज आनी चाहिए कि सोसाइटी के अंदर जितनी महिलाएं घर में बैठी है वो खुद नीचे आने के लिए आतुर हो जाएं कि मैं भी अपने लिए ये तालियां बजवाना चाहती हूँ. तो इतनी तेज होनी चाहिए कि देखिए अभी तक पहुँची नहीं है ऊपर तक, मुझे कहीं भी बालकनियों में दिखी नहीं है ये महिलाएँ. एक बार ज़ोर से, बहुत ज़ोर से, चलिए ज़ोर से. डूब कर कुछ सुनो, सुनकर कुछ बुनो. डूब कर कुछ सुनो, सुनकर कुछ बुनो. मन मिलाओगे तो मन के मीत बन जाएंगे, और अगर दूर से सुनोगे तो हम पखेरू हैं दूर के, बड़ी दूर चले जाएंगे. वो अपने शब्द बोल के चले जाएंगे यहाँ से, हम उन्हें अपना ना बना पाएंगे. तो अगर हमें उनका उत्साह बढ़ाना है तो आज हाथ से हाथ, ताल से ताल और दिल से दिल मिलाना है. तो मैं आप सबको अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ आपकी तालियाँ उनका उत्साह बढ़ाती रहें. थैंक यू सो मच. ये अध्यक्ष है जनसंचार एवं मीडिया विभाग के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में. हमारी दूसरी अतिथि है डॉक्टर अंजलि भट्टाचार्य जी. शी इज अ साइंटिस्ट विथ CSIR. प्लीज वेलकम बोथ ऑफ देम विथ राउंड राउंड अप्लॉज. एंड आई वुड रिक्वेस्ट देम टू आवर AO मेंबर्स आर वेलकमिंग देम. सो one more round of applause please. Now since we have already welcomed our guests, isko so from homes 121 Archana ji, our AOA member, she is welcoming. So I am from Homes 121. We are all welcoming our guest, chief guest. Thank you so much. एक नारी हूँ, आज आइए उनके मुख से ही उनकी इस कविता का वर्णन करें. Hello friends, मेरा नाम रिचा है. मैं महिला दिवस के उपलक्ष्य पे कुछ पंक्तियाँ आप लोग को प्रस्तुत करना चाहती हूँ. दिल में बस जाए वो मोहब्बत हूँ, दिल में बस जाए वो मोहब्बत हूँ. अरे यार, कभी बहन कभी ममता की मूरत हूँ. मेरे आंचल में हैं 100 चांद सितारे, माँ के कदमों में बसी एक जन्नत हूँ.
माँ के कदमों में बसी एक जन्नत हूँ। हर दर्द और गम को छुपा लिया सीने में, हर दर्द और गम को छुपा लिया सीने में, लब पर ना आए कभी वो हसरत हूँ। मेरे होने से ही ये कायनात जवान जिंदगी की बेहद हसी हकीकत हूँ। हर रूप रंग में ढल कर सवर जाऊँ, हर रूप रंग में ढल कर सवर जाऊँ, सब्र की मिसाल हर रिश्ते की ताकत हूँ। अपने हौसले से तकदीर को बदल दूँ, अपने हौसले से तकदीर को बदल दूँ, सुन ले ऐ दुनिया, हाँ मैं औरत हूँ, हाँ मैं औरत हूँ। हैप्पी वुमेंस डे ऑल फ्रेंड्स। ऋचा थैंक यू सो मच, आपने इतना सुंदर सुनाया। थैंक यू मैम। उसको मैं कंप्लीट करना चाहूँगी आपकी इन बातों से। हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जल जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। वाह वाह। तो औरत अपने आप में एक बहुत पावरफुल शक्ति है, डोंट अंडर एस्टिमेट। थैंक यू। थैंक यू। को प्रस्तुत करने के लिए आ रही हमारे बीच में हमारी सोसाइटी की महिला श्रीमती निमिषा जी। वेलकम निमिषा जी। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तालियों में कंजूसी क्यों हो रही है? आज तो महिला सशक्तिकरण का दिन है तो महिलाओं की ही ताली नहीं आ रही है। नमस्कार श्रोतागण, सबसे पहले सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। आज मैं निमिषा आनंद महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपके समक्ष अपनी एक कविता अपनी एक कविता साझा करना चाहूँगी। सोच रही हूँ आज एक कविता लिख डालूँ, आँखों के नीचे एक काजल लगा लूं। बहुत दिनों से जो ये केस खुले हैं आज उनमें कुछ फूल सजा लूं। आज मैं खुद को कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल बना लूं, अपने विमेंस डे को कुछ खास बना लूं। आगे कहा है, रोज रोज भाग भाग कर थक सी गई हूं, घर गृहस्थी के चक्कर में कुछ फंसी गई हूँ। आज मगर कुछ अपनी फेवरेट डिश बनवाऊंगी। देखिए यहाँ पे बनाऊंगी नहीं, बच्चों और पति से घर का कुछ काम भी करवाऊंगी। महारानी तो वैसे हूँ मैं अपने घर की, बट आज कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल फील करवाऊंगी, अपने विमेंस डे को कुछ खास बनाऊंगी। आगे ध्यान से सुनिएगा, मकान को घर बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, अपने सपनों को भूल जाने का दूसरा कोई मेल नहीं है। कभी कुछ सुन लेना, कभी कहते कहते कुछ ना कहना, ये सब कुछ आसान नहीं है, पर घर भी तो मेरा है, क्या ये एक सम्मान नहीं है? आज खुद को कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल फील कराऊंगी, अपने विमेंस डे को कुछ खास बनाऊंगी। सेलिब्रेट विमेंस डे एवरी डे, सेलिब्रेट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वो बोले तब बात है ना। इतनी जोर से बोलिए कि जहाँ भी आपके हस्बैंड हो उन तक आवाज जाए। बिल्कुल सही, वो वहां से हाँ बोले। बहुत बढ़िया। अब एक मजेदार टॉपिक आपके सामने आने वाला है, जानते हैं वो टॉपिक क्या है? पति पत्नी की नोकझोंक जो हर घर में चलती है। आई एम राइट, यस आई एम राइट। हर घर में कभी बच्चों को लेकर,
कभी घर की वित्तीय स्थिति को लेकर, कभी किसी भी छोटी छोटी बातों पर, और कभी कुछ नहीं तो ऐवे ही लड़ लेते हैं जब मूड किया मूड को फ्रेश करने के लिए। इसी नोक झोंक को दर्शाने के लिए हमारे सामने अपनी कविता लेकर आ रही हैं मिसेज ऋचा शर्मा जी। ऋचा शर्मा जी, जोरदार तालियों के संग स्वागत कीजिए ऋचा शर्मा जी का। तालियों की आवाज नहीं आ रही है, ये हुई बात। हेलो एवरीवन, मैं ऋचा शर्मा आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दुनिया ने मुझे नज़रअंदाज किया, दुनिया ने मुझे नज़रअंदाज किया, बुरा नहीं माना मैंने, पर तेरी बेरुखी ने तो बस मार ही डाला मुझे। ओहो, लगा कोई तेज़ नस्तर सीधे सीने में चुभ गया। लहू लुहान हो तरपती रही, लब से ये आंसू पीती रही, पलके बेवजह गिरती उठती रही, दिल ढूंढता रहा सब जिसने तुझे इस कदर बेरहम बनाया। कितना चाहा था तुझे, कितना सराहा था, तेरी हर जीत मेरी जीत थी, हर हार को अपनी हार मानकर तुझे गले से लगाया था। सालती रही यह बात कि कैसे तुम भुला पाए स्नेह के उस बंधन को जिसे बहुत प्यार से बांधा था हम दोनों ने। धन्यवाद। अब क्योंकि नारी दिवस है तो मैं आप लोगों के समक्ष एक दूसरी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो हमारे देश की नारियों के लिए समर्पित है। हमारा देश वैसे ही महान है, यहाँ पल पल में एक देवी विराजमान है। माँ सीता महलों की सैया छोड़ वन वन को घूमने जाती हैं, तो कभी पति के प्राणों की खातिर सती सावित्री यमराज से लड़ जाती है, कभी देश की खातिर लक्ष्मी बाई अंग्रेजों से अकेले डट जाती हैं। प्रेम में सुदबुद खोकर मीरा जोगन बन जाती है। भक्ति भाव तो देखिए, मीरा तेरा कृष्णा तेरे मुख में समा गया, विष का प्याला भी अमृत बना गया। अब इसे भक्ति कहें या प्रेम, खैर ये सब तो आप लोगों ने कथाओं में सुनी होंगी। अब हम कुछ नए उदाहरण पेश करते हैं। कल्पना की उड़ान कल्पनाओं से परे थी, मैरी कॉम के खेल ने जिंदगी से लड़ना सिखाया। एक माँ ने ही देश को पदक पे पदक दिलाया। राजनीति हो या हो कारपोरेट जगत, महिला ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया। अब मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी कविता को विराम देना चाहूँगी। महिला शक्ति को देख जमी खिसक जाती है, जब माँ सीता को लेने स्वयं धरती चली आती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच, आपने कितना सुंदर बताया। एक बार तालियों के साथ आप प्रीचा जी को धन्यवाद कीजिए, जोर से, तालियों की आवाज़ नहीं आ रही है। सारी कवियत्रियों की तरफ से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ ऑडियंस को। थोड़ा सीरियस फेस है तो सीरियस बात नहीं है, लेकिन मतलब मेरे फेस और एक्सप्रेशंस पे मत जाइएगा, मेरे वर्ड्स पे जाइएगा। तो ये सारी जितनी भी पार्टिसिपेंट्स आपको दिख रही हैं उनकी तरफ से ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट है जो मैं आपके लिए, उनके लिए आपको करना चाह रही हूँ, और वो कुछ इस तरह है। तुम्हारे लिए ही लिखती हूँ ये गीत और ये गज़लें मैं सुनाती हूँ तुम्हें, तुम तालियों का सास तो दे दो। वापस पढ़ो एक बार और। तुम्हारे लिए ही लिखती हूँ ये गीत और गज़ल मैं सुनाती हूँ तुम्हें, ज़रा सास तो दे दो। तालियों से मैंने वो फिल इन द ब्लैंक किया, आप लोगों ने किसी ने बजाई नहीं। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत ही अच्छी लाइन्स थी वंदना। नाउ अब मैं नेक्स्ट
दिव्या को बुलाना चाहती हूँ, जिसकी कविता का टॉपिक है नारी के रूप। कभी मैं, कभी माँ, कभी बहन, कभी पत्नी। तो आइए देखते हैं कि आज दिव्या हमारे बीच में कौन सा रूप लेकर आई है नारी का। तो तालियों के साथ दिव्या का स्वागत कीजिए। हेलो। फूल जैसी कोमल नारी, काटो जितनी कठोर नारी, अपनों की हिफाजत में रहती सबसे अव्वल नारी, दुखों को दूर कर खुशियों को समेटे नारी, फिर भी जाने क्यों दुनिया कहती तेरा क्या अस्तित्व है नारी, जब अपने छोटे छोटे ख्वाहिशों को जीने लगती है नारी, दुनिया दिखाती है उसे उसकी सारी दायरी, अपने धर्म से बंधी है नारी, अपने कर्म से बंधी है नारी, अपनों की खुशी के लिए खुद को सपने करती कुर्बान है नारी, जब भी सब्र का बांध है टूटे तो सब पर है भारी नारी, फूलों से है कोमल नारी, काटो जितनी कठोर नारी। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल लवली लेडीज। किनका नाम दिव्या का धन्यवाद। बहुत ही अच्छा, नारी के बहुत ही अच्छे रूप दिखाए, तो एक बार ताली के साथ दिव्या का धन्यवाद कीजिए। आई वुड रिक्वेस्ट आवर AOA प्रेसिडेंट मिस्टर शिपी मिश्रा जी टू कम एंड स्पीक अ फ्यू वर्ड्स ऑन दिस ईव। आप लोगों को बार बार क्यों रिक्वेस्ट करना पड़ा है? जोर की तालियां। थैंक यू। नमस्कार। थोड़ा जोश होना चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे बीच में आज दो बहुत ही विशिष्ट गेस्ट हमारे बीच में हैं और मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। पहले डॉक्टर अंजलि भट्टाचार्य, जो कि साइंटिस्ट हैं CSR में और बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेविका भी हैं और साथ ही राष्ट्रीय सेविका समिति RSS की नोएडा महानगर की कार्यवाहिका भी हैं। तो तालियां जोरदार होनी चाहिए। दूसरा हमारे बीच में प्रोफेसर वंदना पांडे जी हैं। आप अध्यक्ष हैं जनसंचार एवं मीडिया अध्ययन विभाग गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में। अभी हम लोग जब ऑफलाइन थोड़ा बात कर रहे थे, चाय पे थोड़ी चर्चा हो रही थी, चाय बोलते ही थोड़ा सा अलग ही माहौल बन जाता है, तो उन्होंने एक बड़ा ही पॉजिटिव और सकारात्मक वर्ड बोला था जो मैंने नोट कर लिया। उन्होंने ये कहा, जितने पत्थर मारोगे हम उतने मार्ग बनाएंगे और उस मार्ग पे आपको चलने के लिए मजबूर कर देंगे। तो ये पॉजिटिविटी है और मैं यही चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं इसी सोच के साथ में आगे बढ़ें। हम एक दिन आपको फील करा सकते हैं विशेष, लेकिन आपको अंदर से रोज़ फील करना पड़ेगा कि आप विशेष हो। सही है कि नहीं है? है तो ताली बजाइए फिर। बहुत बढ़िया। आप बस थोड़ा सा वंदना मैम, जैसे ही वो माइक पकड़ती हैं और जो उनका एक्साइटमेंट होता है जितने जोश से बोलती हैं, मैं घर पे जाके सोचता हूँ कितना जोश वो लाती कहाँ से हैं। और मैं तो वैसे ही IT वाला बंदा हूँ जिसका माइक देखते ही वो सांप की तरह दिखाई देने लगता है और मैं डरने लगता हूँ, हिलने लगता हूँ। तो इसके साथ मैं एक और दो तीन चीज़ें बोलना चाहूँगा अगर आप लोग परमिशन दें। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी कविताएँ हैं और हम चाहेंगे कि हम अपने गेस्ट जो हमारे विशिष्ट गेस्ट हैं उनको ज़्यादा सुने। हमें तो बोलने का मौका सोसाइटी में मिलता ही रहता है। तो पहला ये कहना चाहूँगा कि हम उस देश और उस परंपरा से हैं जहाँ पे स्त्रियों का सम्मान हमेशा से होता आया है और पुराणों में लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये हमारे पुराणों में कहा गया है। जब ये किताबें लिखी नहीं गई थी, सिर्फ ये जो एजुकेशन का ट्रांसमिशन होता था वो सिर्फ ये होता, कहा और सुना जाता था, तब ये कहा गया था। वैसे नारी विश्व भर में सम्मान की दृष्टि से देखी जाती हैं, किंतु हमारे भारतीय परंपरा को अगर देखें तो सदियों से विशेष स्थान रहा है। हम नारियों को देवी की तरह पूजते हैं और जहाँ जब भी जैसे मौका मिला है सबने ये साबित भी किया है कि वो विशिष्ट हैं। घर के चूल्हे चौके से बाहर, अगर चाहे व्यवसाय का हो, साहित्य जगत में हो, प्रशासनिक सेवा हो, विदेश सेवा हो, जब भी जहां मौका मिला है अपने आप को आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया साबित किया है। तो अपने लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम हमेशा दूसरों के लिए तालियां बजाते हैं, कभी कभी हमें अपने आप को विशिष्ट फील कराना चाहिए और
खुद में जब विश्वास होता है तो सामने वाला भी विश्वास की नज़र से देखता है। एक दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि हम महानगर में रहते हैं और यहाँ पे काफ़ी प्रोग्रेशन देखा है। हम लोग काफ़ी जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, नया जा रहा है, लेकिन महिला दिवस कौन से दिन है जिस दिन महिला दिवस नहीं होता है? ऐसा कौन सा दिन है कि बिना महिलाएं चलते रहते हैं? ठीक है, आज एक पर्टिकुलर डे है, कुछ दिन हम मना रहे हैं, महिला दिवस है, तो मेरे लिए महिला दिवस आज मनाया जा रहा है, लेकिन एवरी डे इज़ द महिला डे है। हम महिला दिवस, महिला हमारा धरती माता भी महिला है, कहीं अभी वो रेस्ट लेता है क्या? कभी नहीं लेता है। दूसरी बात, ये महिला दिवस, महिला एम्पावरमेंट, महिलाओं को एम्पावरमेंट दिया जा रहा है, महिला एम्पावरमेंट, महिला शी इज़ द बॉर्न एम्पावर्ड है, महिलाओं को एम्पावर नहीं करना है, शी इज़ द बॉर्न एम्पावर्ड है। जो फिजिकली एक बच्चे को जन्म देने का जो पेन वो भी बियर कर सकता है, उसी बच्चे को बड़े करने का, उसको वैल्यूज देने का वो भी उस वो पेन वो भी अपने आप कर सकता है। तो महिला दिवस हजारों 5000 सालों से हजारों साल पहले महिला क्या है, महिला दिवस, महिला को डिफेंस दिया गया था, माँ दुर्गा को फिनांस दिए गए थे, लक्ष्मी को एजुकेशन दिए गए थे, सरस्वती को, तो महिला को एम्पावर करने के लिए जो मेन चारों चीज़ डिफेंस, फिनांस, एजुकेशन, तीनों चीज़ें महिला के पास थे। तो महिला एम्पावरमेंट, महिला को आपको सबके साथ हमारे बड़े बराबर अधिकार चाहिए। किससे अधिकार चाहिए? हमसे बड़े कौन है, हमसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? तो कई महिला दिवस है, एवरी डे इज द महिला दिवस है, महिला खुद एम्पावर है, महिला ही कैन वेयर द डिफरेंस हैट्स, एक ही साथ डिफरेंस माता के हैट्स पहन सकता है, बहन के हैट्स पहन सकता है, पत्नी के हैट्स पहन सकता है, एक ही महिला एक टोटली एक अलग कल्चर से चले जाता है, एक नए कल्चर से उसी हैट्स को पहन के वो अपने आप को बना सकता है। इतना शक्ति, इतने पावर कोई पुरुष में है क्या? He is a philosopher, psychologist, motivation कर सकता है, घर पे कोई भी problem, बच्चे पढ़ाई में fail कर रहा है, कुछ भी है, कौन करेंगे? माता करेंगे, है ना? और जो माताएं करेंगी, माता motivation करता है, माता psychologist है, माता खाना बनाते हैं, माता घर को बनाता है, सब कुछ माताएं है। तो ये नहीं है कि हम कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं साइंटिस्ट हूँ, आप डॉक्टर है, आप नो, जो माता, जो डॉक्टर बना, जो साइंटिस्ट बना, जो स्वामी विवेकानंद बना, उसके माता ने बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए नहीं गए है, कोई IIT IIM में नहीं गए है, लेकिन उसके बच्चे स्वामी विवेकानंद बना, नेताजी सुभाष चंद्र बना, जो भी है। तो माता का हम लोग बॉर्न एम्पावर है, बॉर्न एम्पावर है, हमारा अंदर हमें एम्पावर करने का ज़रूरत नहीं है। एवरी डे इज़ द वुमेंस डे है। आप एक बताइए, बहुत हजारों साल पहले जो हम सुनते हैं कि दैत्य था, असुर था, देव था, भगवान थे, क्यों? भगवान का तो सब कुछ अच्छी थे, लेकिन फिर भी क्या जो असुर थे, जो डेमन थे, वो सारे कैप्चर कर लिया था। तो हमने क्या सुना था कि माँ दुर्गा को किसने, नारायण ने सुदर्शन दिया, शिव जी ने आपका त्रिशूल दिया, नहीं, कोई वेपन नहीं दिया, अपना टोटल जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ किसको दिया? माँ दुर्गा को। और जो 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 ये है, जो लायन है, लायन को ये नहीं है किसी के 10 हाथ लेके लायन के ऊपर चढ़े, लायन इज द जनगण पीपल, और सब सारे एकत्रित होके जनगण के लेके जब कोई वार में जा रहे थे, वो भी किसको दिया? एक महिला को ही दिया गया। इतने सारे जो नारायण का, जो सुदर्शन नारायण का सेना, शिव जी के सेना, इंद्र के सेना, सब एकत्रित हुआ, लेकिन कोई हिम्मत नहीं थे कोई पुरुष को उसको संभालना, उसको एक साथ चलना। तो उम्र
वुमेन्स डे, दैट इज नो वुमेन्स डे, एवरी डे इज द वुमेन्स डे, एवरी डे वुमेन्स के पास, वुमेन्स को किसी को एम्पावर करने का जरूरत नहीं है, किसी से वुमेन्स को कोई बराबर का क्यों बराबर, वी आर इंडिविजुअल, आई एम प्राउड जस्ट आई एम ए वुमेन, मैं एक वुमेन है, आई एम प्राउड, मुझे पुरुषों का मेन के बराबरी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। अगर आम गाछ के, आम के जो पेड़ है वो बोला नहीं मैं आम के पेड़ नहीं, मैं बनियान के पेड़ के बराबर, नहीं, आम का पेड़ का अपना अपना कैरेक्टर है, वो उसी कैरेक्टर में अपने आप करेंगे, हम वुमेन्स है, हमारा अपना कैरेक्टर है, हम समर्थ है, हम सब कुछ करने में समर्थ है। और क्या है पुरुष, क्या पुरुष क्या होता है, कहीं हमसे फिजिकली स्ट्रेंथ है, फिजिकली तो एक डायनोसरस भी हमसे स्ट्रेंथ है, फिजिकली तो एक बियर भी हमसे स्ट्रेंथ है, तो वो फिजिकल स्ट्रेंथ में नहीं होता है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, हजारों साल से जब सबको पता चल गया कि हमारा अंदर क्या स्ट्रेंथ है, वो कोई ना कोई पाबंदी हमारे ऊपर दिया जा रहा है कि हम चाहे आगे ना बढ़े। तो एवरी डे इज अ वुमेन्स डे, माता जो माता है उसके बड़े कोई नहीं है, हमारा देश में महिला को बहुत सम्मान किया जा रहा है, हमारा देश में माताओं को यही किया जा रहा है, माता माता ही होता है, माता को जो सम्मान नहीं करता दुख उसका है, माता का नहीं है। तो आप खुद ही बताइए ना, एक बच्चे को एक, और हमें जो है वुमेन्स को क्यों ज़्यादा एजुकेशन होना जरूरी है, सारे यंग माताओं को बोल रही हूँ कि आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान रखिए, आप लोगों को एजुकेशन की, एक बच्चे को सबसे ज़्यादा माँ के पास रहता है, सबसे ज़्यादा माँ के पास रहता है तो वो कल्चर माँ के पास है। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, आजकल बच्चे, हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारा बेटी बहुत पढ़े लिखे, वो घर में बैठ के क्यों खाना बनाएंगे, क्यों, नो, आप बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं, आप माता है, 1 लाख सैलरी है, पिता का 2 लाख सैलरी है, उस सैलरी के लिए घर से निकल गया, बच्चे को कामवाली के पास छोड़ गया, वो बच्चे क्या कल्चर ले रहा है, उसके बच्चे को क्या मिल रहा है, आपका कुछ मेटेरियलिस्ट, आप लोग कुछ मेटेरियल के लिए आप 1 लाख के लिए घर से तो निकल रहा है, 10,000 दे के आप एक मेड सर्वेंट को रख के जा रहा है, आपका फ्यूचर क्या बना रहा है, है ना। आप आपका 1 लाख के साथ साथ एक ओल्ड एज होम का भी एक एड्रेस रख दीजिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एजुकेशन लेके आपको नौकरी करना है, नहीं, जीजा माता नौकरी करने नहीं जाए थे लेकिन शिवाजी को बनाया था, है ना। अहिल्याबाई बहुत बड़ा एजुकेशन में नहीं गए थे लेकिन अहिल्याबाई बने थे, रानी लक्ष्मीबाई कौन सा कॉलेज में गई थी मुझे तो पता नहीं था लेकिन अहिल्याबाई बने थे। तो घर में काम करना, आई एम हाउस वाइफ, मैं तो हाउस वाइफ, आई मीन ऑल ऑफ यू आर द हाउस मेकर, छोटे छोटे हाउस से एक देश बन रहा है। और आप अगर सोचेंगे हम इतनी पढ़ी लिखी हो कि घर में खाना बन रहा हूँ, घर में नहीं, आप भारत के देश का फ्यूचर सिटीजन रहा है। आप जो क्वालिटी आपके पास है अगर आपका बच्चे को देंगे, आपका 1 लाख रुपया जो सैलरी मिल रहा है ना, 10,000 का जो मेड सर्वेंट को पास दे रहा है, क्रेश में दे रहा है, आप क्या बना रहा है आपका बच्चे को, आपको बच्चे एक दिन बड़े होके आपको ही छोड़ के चले जाएंगे, इस देश को छोड़ के चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, आपको याद भी नहीं करेंगे। दूसरी बात क्या है, हमारा देश में जो एजुकेशन है बहुत सब्सिडी में चलता है, बहुत ज़्यादा हमारा यहाँ पे एजुकेशन में खर्चा कम होता है। आप अमेरिका में जाइए, बाहर जाइए, हम क्या कर रहे हैं, हमारा बच्चे को IIM से पढ़ा रहा है, IIT से मैकेनिकल इंजीनियर तैयार कर रहा है, डॉक्टर तैयार करके रेडीमेड अमेरिका में भेज देती हूँ, अमेरिका का तो बहुत अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ, मेरा बेटा बाहर नासा में नौकरी कर रहा है, मेरा बेटा यहाँ में नौकरी कर रहा है, लेकिन मुझे फ़ोन नहीं करते, साल हफ्ते में एक दिन फ़ोन करते हैं, हाँ, लेकिन पूरा हमने तैयार करके रेडीमेड फॉरेन में दे रही हूँ, थोड़ा सा पैसे के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा रेमुनरेशन के लिए। तो मुझे यंग माताओं को ये रिक्वेस्ट है, हमने दुनिया देखी है, हमारा हम साइंटिस्ट है, UGC के माध्यम से, CSIR के माध्यम से बाहर गई हूँ, काफ़ी देश घूमी हूँ, मेरा हस्बैंड भी बाहर ही रहता है, हाँ, लेकिन मैंने देखा जो वो लोग इतना पुअर है,
उसके फैमिली नहीं है, कुछ ही नहीं है, एजुकेशन, उसके बाद टेक्नोलॉजी है, अच्छे अच्छे चीज़ है, अच्छे अच्छे मकान है, अच्छे अच्छे सुविधाएँ है, लेकिन फैमिली नहीं है, परिवार प्रबंधन नहीं है। तो प्राउड फील कीजिए, बी ए इंडियन प्राउड फील कीजिए, आप इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, हमें कोई कॉपी पेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा पास जो है दुनिया में किसी 11 कंट्री घूम चुकी हूँ, किसी कंट्री में नहीं देखा, जो हमारा पास है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए, यद्यपि कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कल है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, और उसकी पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम के लिए आप सभी को अग्रिम बधाइयां और शुभकामनाएं। अभी हमारे से पूर्व वक्ता आदरणीय डॉक्टर अंजलि भट्टाचार्य जी ने बड़े ही विस्तृत रूप में और उसके विविध आयामों पर इसकी चर्चा की। जिस विषय पर बात करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, मेरी दृष्टि जहाँ जहाँ तक जा रही है, आज मातृशक्ति आद्य शक्ति उपस्थित है, तो जहाँ इतनी सकारात्मक ऊर्जा निकल रही हो, क्योंकि जहाँ स्त्रियाँ होती हैं वहाँ से हमेशा सकारात्मक ऊर्जा ही निकलती है, तो जहाँ से इतनी सकारात्मक ऊर्जा निकल रही हो वहाँ से बहुत कुछ निःशब्द रहते हुए भी कहा जा रहा है। यहाँ आप सभी लोगों का एकत्रित होना और मुझसे पूर्व जो कई कवित्रियों की मैंने जो कविताएं सुनी, सबसे अच्छी बात उन कविताओं में जो मुझे लगी वो ये कि सबने बहुत ही सकारात्मक बातें कही हैं, स्वयं पे गौरव किया है, मैं महारानी हूँ, अब इससे आगे किस सशक्तिकरण की आवश्यकता है, और यह आत्मबोध आप में है, यह अनुभूति आप में है कि आप महारानी हैं, तो कोई शक्ति विश्व की आपको आपके व्यक्तित्व से डिगा नहीं सकती है, इसी आत्मविश्वास की ज़रूरत है। मैं अपनी बात आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में ही शुरू करना चाहूँगी। मुझे नहीं पता कि आप सभी लोगों में से कितने लोगों को यह पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाते हैं, कोई भी हाथ उठाकर मुझे बताएगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है 1908 में क्लारा जेटकिन नाम की महिला ने अमेरिका में कॉटन मिल में काम कर रही महिलाओं के अधिकारों के लिए पहली बार आवाज उठाई थी। क्यों? क्योंकि उनके वेतन में कटौती होती थी और उनसे अधिक काम लिया जाता था, काम के घंटे ज्यादा थे, तो ये पहली बार आवाज उठी। और 1911 में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ कोपेनहेगन में, और वहां से कहा गया कि 8 मार्च को हम महिलाओं के अधिकार के दिवस के रूप में, इट्स अ राइट डे ऑफ द वुमेन, मनाने की बात कही गई। अब ये बात तो वास्तव में वाकई ताली बजाने की है, लेकिन मेरी बात इसलिए कही जा रही है कि ये जो अवधारणा है ये आयातित अवधारणा है, एक्सपोर्टेड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उनको 1908 में महिलाओं की आजादी, आप कल्पना करिए उस समय महिलाओं की विदेश में, विश्व में क्या स्थिति थी, उनके यहां महिलाओं को कम वेतन मिलते थे, उनके यहां महिलाओं के काम के घंटे ज्यादा थे, तात्पर्य यह कि महिलाओं का शोषण होता था, एक्सप्लाइटेशन उस वेस्टर्न कंट्रीज में था जो आज हमारा आदर्श है, जिसे हम अधिकतम लोग वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कंट्री के बहुत सारे वैल्यूज को ही अपनी आइडियोलॉजी में एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरा कहना ये वो उनके लिए बात थी लड़ाई की। आप देखते होंगे कि अमेरिका जैसे अपने आप को एक्स्ट्रा मॉडर्न कहने वाले देश में भी आज तक कोई भी राष्ट्रपति महिला नहीं हो सकी है, और वो अपने आप को ढोंग करते हैं और दावा करते हैं कि वो बहुत आधुनिक है, और ये भारत देश है जहाँ के बारे में आपने सुना, कहा जाता है कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, ये किसी ने आज नहीं कहा। हमारे अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में महिलाओं की स्थिति शुरू से बहुत बहुत सशक्त रही है। मैं सिर्फ दो बातें बताऊंगी आपको, और इस शब्द के साथ भी बताऊंगी कि
नेपोलियन बोनापार्ट ने भी महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात करते हुए कहा था कि मुझे एक शिक्षित माँ दे दो, मैं तुम्हें एक ऐसा सशक्त राष्ट्र दे दूंगा जिसके सामने किसी दुश्मन की आंख उठाने की जरूरत भी ना हो सके। मैं दूसरा उदाहरण एक बात से अपनी शुरू करूंगी। ये कहा जाता है कि एक माँ की गोद में एक राष्ट्र पलता है। वो माँ सिर्फ एक बच्चे को नहीं पालती है, वह पूरे देश को पालती है। जैसा कि भी अंजलि जी ने कहा, वह माँ उस शिशु को अपने गोद में पालन पोषण करके जब एक सशक्त और चरित्रवान नागरिक बनाकर राष्ट्र को समर्पित करती है तो वह सिर्फ नहीं सशक्त होती है बल्कि एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करती है। तो इसलिए हमें कोई कमजोर या अपने आप को कमजोर करके सोचने की भी जरूरत नहीं है। आंकना तो बहुत दूर की बात है, यह सोचा ही ना करें आप कि आप कमजोर हैं। हम कहाँ कमजोर पड़े, इस पर थोड़ी देर में जरूर चर्चा करूंगी क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर सुंदर सी कवित्रियां बैठी हैं और बहुत सुंदर सुंदर सी कविताओं का सृजन भी उन्होंने किया होगा। चूंकि महिलाएं सृजन ही करती हैं, संहार तो करती ही नहीं है। वह मातृत्व की असह्य वेदना पालकर संसार को सृजन देती है, जीवन देती है, जीवंतता देती है। और यह वो माँ है भारत की जो अपनी गोद में भगवान को भी खिलाती है। यह वह माँ है भारत की जिसने अपनी गोद में राम कृष्ण अद्भुत अनेकों देवताओं का पालन किया है और भगवान ने भी माना है स्त्री के महत्व को। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगी। भगवान श्री कृष्ण जब पूरी शिक्षा दीक्षा पूरी कर संदीपनी मुनि के आश्रम में गए और बोले कि मेरी शिक्षा पूरी हो चुकी है प्रभु, गुरुवर हमें अब अनुमति दीजिए, तो संदीपनी मुनि ने कहा कि कुछ मांगो, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है, कुछ मांगो तुम। उन्होंने कहा क्या मांगू, आप ही कुछ सोच कर दे दीजिए। बोले नहीं, आज तुम मांगो, मैं गुरु हूं और मैं आज कहता हूं तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, आज तुम कुछ मांगो। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे क्या मांगते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि गुरुवर मुझे जीवन पर्यंत अपनी माँ के हाथ का बना भोजन खाने को मिले। माँ भी सशक्त और पुत्र भी सशक्त, पुत्र भी चिरंजीवी और माँ भी चिरंजीवी। अब आप इस बात से इसका अनुमान लगा सकते हैं कि यह एक ईश्वर अगर अपने गुरु से कुछ मांगता है तो आजीवन अपने माँ के चिरंजीवी होने का वरदान मांगता है। इससे ज़्यादा महिला सशक्तिकरण का उदाहरण क्या हो सकता है। लेकिन समस्या आई कहाँ, वह वैदिक काल, वह सनातन युग जहाँ पर महिलाएं यज्ञोपवीत धारण करती थीं, यज्ञ में शामिल होती थी। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं, हम भारत के लिए कह दिया जाता है कुछ ऐसे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूं, कुछ बड़े तथाकथित आजकल के नेता भी हैं जो विदेशों में जाके कहते हैं भारत में महिलाएं बड़ी असुरक्षित हैं, भारत में महिलाओं का बड़ा बलात्कार होता है। यह भारत की महिलाओं के बारे में गलत अवधारणाएं फैलाई जाती हैं। भारत की सनातन संस्कृति को तार तार करने की एक सोची समझी साजिश है। हम महिलाओं को इसके लिए जागृत होना होगा। आप ये मानिए, ये कह दिया जाता है कि भारत की परंपराओं में बड़ी कुरीतियां हैं, भारत के रीति रिवाज में महिलाओं के लिए बड़ी जटिलताएं हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है भारत के महिलाओं की लाइफ में। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर कह सकती हूँ, उम्र के इस पड़ाव पर मैं खड़ी हूँ, आई एम 63 year old lady, I feel proud on me being a lady of India, भारत की बेटी, और अपने संघर्षमय जीवन यात्रा पर मैं हमेशा गर्व करती हूँ। इसलिए गर्व करती हूँ कि मैं इस भारत की स्त्री हूँ, भारत की बेटी हूँ मैं। आप भी गर्व करें। हमेशा स्थितियां बदली, वैदिक काल में ब्रह्मवादिनी और सद्योद्वाह, ये दो महिलाएं होती थीं। ब्रह्मवादिनी वो बेटियां होती थीं जिनको ये पूरी स्वतंत्रता थी
कि वो जब चाहे जितना पढ़ाई करें और अगर वो चाहती हैं तो वो आजीवन कुंवारी रहें। उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था वैदिक काल में। और सद्योद्वाह वो महिलाएं थी जो पढ़ाई करने के बाद, शिक्षा पूर्णी करने के बाद यदि चाहती तो विवाह कर अपने, विवाह करने के पश्चात अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करके गार्हस्थ जीवन जीती थी, मेखला धारण करती थी। तो हमारी शिक्षा दीक्षा में ही, हमारी वैदिक संस्कृति में महिलाओं की विशाल परंपराओं को आज़ादी के बाद जानबूझकर गायब कर दिया गया, और वहीं से हम में आत्मग्लानी का बोध हुआ, वहीं से हमारे स्वयं के आत्मविश्वास में कमी आई। कमी तब आई जब चांदनी, जब बड़े बड़े मीना बाजार सजने लगे और हमारी महिलाएं स्वयं को घूंघट में ढककर घरों के अंदर स्वयं को कैद कर लिया। फिर हम घूंघट में ढक गए, हमारी प्रतिभाएं घरों के अंदर छुप गई डर के मारे, और तब शुरू हुआ बालिकाओं को वहीं पर उनके हनन का प्रयास हुआ, और यहाँ से कुरीतियाँ शुरू हुई हैं। तो वह भारत जिसने कई आक्रांताओं के दंश झेले हैं, वह भारत जिसमें कितने सारे कष्ट झेले हैं, उसने सिर्फ हमारे अखंड भारत को ही खंडित नहीं करने का प्रयास किया गया, हमारे आत्मविश्वास, महिलाओं के आत्मविश्वास को भी खंडित करने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से हमारी शुरू हुई हमारे संघर्ष की गाथा। और घरों में कैद होने के बाद वो अंग्रेज जिन्होंने हम पर वर्षों वर्ष गुलामी का बोझ लादा, वह लोग जो किसी न किसी बहाने आकर हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न किए, उन लोगों की वजह से हमने अपने कदम पीछे खींच लिए। नतीजतन हम पर एक अलग तरह की चुनौतियां सामने आईं और धीरे धीरे विकराल रूप लिया। यह मानना पड़ेगा कि स्थितियां कहीं ना कहीं चिंतनीय तो हैं। जब कोई आयशा बेटी यह कहकर कहकर नदी में कूद जाती है कि अब्बा मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन तुम किसी से लड़ाई मत करना, मैं बहुत दूर जा रही हूं, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुनी होगी ये बात, वह बेटी कितनी वेदना में एक नदी में छलांग लगाई होगी। जब निर्भया होता है तो यह सोचना तो पड़ता है कि चुनौतियां कहीं ना कहीं हैं, उन चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता जरूर है। और इसके लिए यह नहीं है कि हम सशक्तिकरण के लिए समाज आर्थिक रूप से बहुत सशक्त हो जाए। मैं बहुत सारी शिक्षित महिलाओं को देखती हूं, बहुत शिक्षित है लेकिन उनका शोषण हो रहा है, वह दुखी है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अपने अंदर के जो इनबिल्ट वर्चूज थे उनको भुला दिया। भगवान श्री कृष्ण ने हमारे चार गुण बताए, उन्होंने कहा कीर्ति श्री वार्ट नारी नाम स्त्री मेधा धृति क्षमा। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं में यश, सौंदर्य, बोलने की कला, हम बहुत टॉकेटिव होते हैं, हम महिलाएं दुनिया जहान की बातें करते हैं, एक बात निकली नहीं कि सारे जहां में फैल जाती है, ये हमारी बुराई नहीं है, वी आर वेरी मच कम्युनिकेटिव। तो इसलिए कीर्ति श्री वार्च नारी नाम स्त्री मेधा, हम में प्रतिभा है, टैलेंट है, धैर्य है और क्षमा है। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्षमा हमारा बहुत बड़ा गुण है, ये पुरुषों के पास मिलता नहीं है, इसलिए इसको विलुप्त मत होने देना। मैं आपसे बार बार ये गुजारिश करने आई हूं कि क्षमा हमारा बहुत बड़ा गुण है और इसीलिए हम विशाल हैं, इसीलिए हम महान हैं और इसी से हम सशक्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महिलाओं में ये गुण इनबिल्ट है, जैसे कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें इनबिल्ट होती हैं, लेकिन समस्या ये है कि जैसे कंप्यूटर स्लीपिंग मोड में चला जाता है, वैसे ही हमारे ये सारे वर्चुअल परिस्थितियों, कंडीशन, अपनी ब्यूटी को, कीर्ति श्री, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, वॉच नारी नाम स्त्री मेधा, अपने टैलेंट को, अपने पेशेंस को और अपने एक्सक्यूजिंग पावर को डेवलप करो, फिर जो कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होगा उस वही आत्मविश्वास आपकी रक्षा करेगा और आपको सशक्त बनाएगा। आत्मविश्वास की ही बात होती है कि ये कितने ऊंचे हाथी को एक अदना सा इंसान नियंत्रित कर लेता है,
तो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपने आभा मंडल को विकसित करें और सीता जैसी स्वाभिमानिनी बने। सीता जो कि किसी बहुत जन कल्याण के लिए जब उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे अपने पति का गृह त्याग करना है, तो वो कहाँ गई थी? अपने गुरु के घर गई थी। लेकिन तब के गुरु भी बहुत चरित्रवान होते हैं, तो ऐसे गुरु की भी आवश्यकता है जो चरित्रवान हो। और उन्होंने अपने लवकुश जैसे पुत्र को, चरित्रवान पुत्र को अयोध्या नगर राज्य को समर्पित किया था एक सशक्त नागरिक बनाकर। राधा जैसी सखी बनो। आप देखिए, राधा से ज्यादा इम्पावर्ड वुमेन तो मुझे कोई दिखती नहीं। जरा मथुरा जाके देखो, लोग कृष्ण को नहीं राधा को याद करते हैं, राधे राधे बोलते हैं। वह राधा जो सदियों बीत गए, लेकिन आज भी राधा सशक्त है वहाँ। तो सखी बनिए, सहचरी बनिए, प्रेयसी बनिए, माता बनिए, भगिनी बनिए, पत्नी बनिए, हर रूप में अपने आप को स्थापित करिए और बताइए, क्योंकि आपके ऊपर उठ रहे जुर्मों के लिए भी आपको तैयार होना है। अपनी बेटियों को यदि अच्छा पहनने की शिक्षा दे तो शस्त्र कौशल जरूर दीजिए, उनमें आर्म्स की लर्निंग जरूर सिखाइए। उन्हें ब्यूटी के लिए भी तैयार करिए, उन्हें टैलेंट के लिए भी तैयार करिए, लेकिन उनमें आर्म्स की शस्त्र शिक्षा जरूर दीजिए। शस्त्रवान बेटी ही ऐसे असुरों का संहार करेगी। और यह निश्चित है कि अगर कोई असुर बनता है तो आप महिषासुर मर्दिनी बनने में विलंब मत करिएगा। ये मेरी आपसे अपील है कि यदि एक असुर तैयार होता है तो आप महिषासुर मर्दिनी बनने में बिल्कुल देर मत करिएगा। लेकिन उससे पहले हमें सीता बनना है, उससे पहले हमें अपाला, लोप मुद्रा, घोषा, इंद्राणी धृति, मैत्रेयी, अत्री, इन विदुषियों के बारे में जानना है। तो इसलिए जो महिलाएं चुप हैं, मैं एक और गुजारिश करके जाएंगी, बहुत लंबा मैं बोल रही हूँ, कि जो इम्पावर्ड वुमेन है, जो सशक्त महिलाएं हैं, वो एक असक्त महिला को जरूर आगे मदद करे। ईच वन टीच वन की तरह एक सशक्त महिला एक कमजोर महिला की मदद करे। और ये शुरुआत आप अपने घर में काम करने वाली परिचारिका के साथ भी कर सकती हैं, किसी आंदोलन की जरूरत नहीं है। भारत बहुत विशाल है, लेकिन भारत में महिलाओं की चुप्पी का कोई नाजायज फायदा ना उठाए। ये कहते हैं कि हम अगर चुप हैं तो ये ना समझो कि हम अभी हारे हैं, हमारे पैरों के नीचे अभी जल रहे अंगारे हैं। तो इसलिए आगे बढ़िए, सशक्त बनिए, दुर्गा बनिए, सीता बनिए, पाश्चात्य की आयातित अवधारणा मत लीजिए, अर्धनारीश्वर बनिए, सहचरी बनिए, प्रेयसी बनिए, सखी बनिए और भारत राष्ट्र को गौरवान्वित कीजिए। मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। बहुत मैं एक कविता जो मातृशक्ति के आभार पे है उसे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जिनको तुमने जन्म दिया है दूध पिलाकर बड़ा किया है, जिनको तुमने जन्म दिया है दूध पिलाकर बड़ा किया है, जिनको हाथों को संबल दी अपने पैरों पर खड़ा किया है, जिनको जीना सिखलाई हो उनको बोलो आभार भी दें, जिनको जीना सिखलाई हो उनको बोलो आभार भी दें, जो भी सत्तावादी हैं अब उनसे बोलो अधिकार भी दें, जो भी सत्तावादी हैं अब उनसे बोलो अधिकार भी दें, जिनकी खातिर व्रत करती हो जिनका उपवास मनाती हो, जिनकी खातिर व्रत करती हो जिनका उपवास मनाती हो, जिनकी खातिर अपना जीवन तुम न्योछावर कर जाती हो, जिनकी खातिर प्यार लुटाती उनको बोलो प्यार भी दें, जिनकी खातिर प्यार लुटाती उनको बोलो प्यार भी दें, जो भी सत्तावादी हैं अब उनको बोलो अधिकार भी दें, जिनकी खातिर दहलीजों में खुद को बांधे रह जाती हो, जिनकी खातिर दहलीजों में खुद को बांधे रह जाती हो, जो भी होती साध तुम्हारी
जो भी होती साध तुम्हारी मन में साधे रह जाती हो, जिनकी खातिर चुप रहती हो, सारी तरफ देखो, जिनकी खातिर चुप रहती हो वे बड़बोलापन मार भी दें, जिनकी खातिर चुप रहती हो वो बड़बोलापन मार भी दें, जो भी सत्तावादी हैं अब उनसे बोलो अधिकार भी दें, जिनको चलना सिखलाई हो वो तुमको चलन सिखाते हैं, जिनको चलना सिखलाई हो वो तुमको चलन सिखाते हैं, जिनको तुमने राग सिखाया वो तुझमें दाग दिखाते हैं, जिनको तुमने राग सिखाया वो तुझमें दाग दिखाते हैं, बोलो उनको सूक्ष्म सोच को, बोलो उनको सूक्ष्म सोच को तनिक बड़ा आकार भी दें, जो भी सत्तावादी हैं उनसे बोलो अधिकार भी दें। अंत में कुछ हम नारियों के लिए चंद लाइनें। यह शक्ति की ध्वजवाहिनी है, त्याग का आदर्श है, वह शक्ति की ध्वजवाहिनी है, त्याग का आदर्श है, वह स्नेह का आरंभ, वह प्रेम का उत्कर्ष है, नारी सृजन का स्रोत है, जग का प्रथम अध्याय है, पुरुषत्व का आधार नारी, सृष्टि का पर्याय है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जूही। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं अनन्या यशस्विनी नारी सम्मान में चार लाइनें बोलना चाहती हूँ। नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी, काली बनकर शीश काटे जब बात हो सम्मान की। जय नारी शक्ति। वाह वाह थैंक यू अनन्या, आपने बहुत ही अच्छी लाइंस बोली हैं। थैंक यू अनन्या बताने के लिए हमें। अब मैं मोनिका का स्वागत करना चाहती हूँ, वो यहाँ आए हुए सभी अतिथिगण, उपस्थित स्वजन मित्रों, सभी का सादर अभिनंदन स्वागत। मैं मोनिका आप सबके सामने अपनी एक स्वरचित कविता लेकर आई हूँ। मैं सिर्फ यहाँ माँ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हमारे देश में अलग अलग धर्म हैं, कल्चर हैं, संस्कृति हैं, हमको उनका सबका सम्मान करना चाहिए एज ए माँ। सिर्फ मैं यहाँ माँ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अपनी कविता सुनाती हूँ। मत बांटो मुझे मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों में, मत बांटो मुझे मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों में, मैं माँ हूँ। मत बांटो मुझे मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों में, पहले ही तुम बांट चुके मुझे आंगन डेहरी चौबारों में, पहले ही तुम बांट चुके मुझे आंगन डेहरी चौबारों में। सरहद पर जब लाश गिरी मेरे दिल के टुकड़े की, रक्त रंजित लहू लुहान हुई मेरी ममता मेरे मुखड़े की, कैसे बताऊं कैसे सहा है मैंने जब पूत को देखा ताबूतों में, कैसे बताऊं सहा है मैंने जब पूत को देखा ताबूतों में। मत बांटो मुझे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, पहले ही तुम बांट चुके मुझे आंगन डेहरी चौबारों में। जननी में अंतर तुम क्या देखोगे क्यों करते हो यह रार सभी, कैसे पहचानोगे माँ में अंतर गर उतार दूँ घूंघट और बुरके की दीवार अभी, गर उतार दूँ घूंघट और बुरके की दीवार अभी। स्नेह और जज्बा एक सा है हर माँ के सीने में,
स्नेह और जज्बा एक सा है। हर माँ के सीने में मैं माँ हूँ, मेरी ना जाति है ना मजहब, मेरी ना जाति है ना मजहब, दुलार भी करती हूँ कुर्बान भी करती हूँ, दुलार भी करती हूँ कुर्बान भी करती हूँ, गर देश की रक्षा का हो आह्वान अभी मत बांटो मुझे, मत बांटो मुझे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, पहले ही तुम बांट चुके मुझे आंगन डेहरी चौबारों में। थैंक यू। उपस्थित मेरी सभी सहेलियां जो इतनी सुंदर लग रही हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहूंगी और इसी के साथ मैं अपनी पंक्तियां खत्म करूंगी, अपना ये खत्म करूंगी। तेरे माथे का आंचल ये बहुत खूब है, तेरे माथे का आंचल ये बहुत खूब है, पर इस आंचल का परचम बना लेती तो अच्छा था। थैंक यू सो मच। पड़ी है अभी है पूरा मकान बाकी, अभी तो बुनियाद ही पड़ी है, अभी तो पूरा मकान बाकी, अभी तो पूरा मकान बाकी, उसी को मौका दिया समय ने जो वक्त पर जिंदगी बिता दे, उसी को मौका दिया समय ने जो वक्त पर जिंदगी बिता दे, मिलेगी मंजिल यकी है मुझको, हो चाहे कितने इम्तिहान बाकी, हो चाहे कितने इम्तिहान बाकी, अभी है छूनी ऊंचाइयां कुछ, अभी है कुछ आसमान बाकी, वो सपना जिसका है मैंने देखा, अभी है मेरी उड़ान बाकी। और एक आज के समक्ष में कुछ संकल्प, जो जैसे मैडम पहले बता के गई, मैंने एक कुछ लिखने की कोशिश की है कि आज की नारियां क्या करना चाहती हैं, उनका कैसा संकल्प हो। तो आचमन के लिए, आचमन के लिए शुद्ध हो जहां, करना संकल्प हम वही धार का, आच मन के लिए शुद्ध जल हो जहां, करना संकल्प हमको वही धार का, नेह रमता रहे दृष्टियों में सरल, हमको संकल्प करना वही प्यार का, नेह रमता रहे दृष्टियों में सरल, हमको संकल्प लेना वही प्यार का, गूंजते प्रात में थरथराई कली, शाख उसकी हिली व्रंत उसका हिला, स्वप्न माली बना देखता रह गया, पर कोई बाग उसको न सुख कर मिला, पर कोई बाग उसको न सुख कर मिला, फूल श्रद्धा सहित अब खिलेंगे जहां, फूल श्रद्धा सहित अब खिलेंगे जहां, हमको संकल्प लेना वही हार का, हमको संकल्प लेना वही हार का, नेह रमता रहे दृष्टियों में जहां, हमको संकल्प लेना वही प्यार का। प्रीति में प्रेरणा पूजने के लिए एक साधन बनो हम सरल बात है, प्रीति में प्रेरणा पूजने के लिए एक साधन बने हम सरल बात है, दुख के नगमों को समझे जहां धड़कने, साथ सरगम भी गाने के जज्बात हैं, दुख के नगमों को समझे जहां धड़कने, साथ सरगम भी गाने के जज्बात हैं, एक ये साधना पूरी होगी जहां, हमको संकल्प लेना वही चार का, आचमन के लिए शुद्ध जल हो जहां, करना संकल्प हमको वही धार का। थैंक यू सो मच। थैंक यू वारनी जी, आपने एक प्रौढ़ महिला की ख्वाहिशों को बहुत अच्छे से उजागर किया है, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और तालियों के साथ स्वागत कीजिए सारिका जी का, जो एक नारी के रूप को दर्शा रही हैं। एक नारी एक माँ होती है, एक बेटी होती है, एक बहू होती है, वो किस किस रूपों में आपके समक्ष आती है इस कविता के माध्यम से सारिका जी आपको बताएंगी, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए।
सारिका एक मिनट, हाँ सारिका तुम्हारा एक नया रूप पहले ऑडियंस से भी तो पूछ लें, है ना? तो क्या हमारी ऑडियंस को, होम्स 121 की ऑडियंस को क्या ये पता था कि हमारे पास इतना सुंदर कलेक्शन है पोएटिस? नहीं, आई क्या किसी को इसका आभार था? नहीं, सबको नहीं। ये पता था कि वो एक टीचर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, या फिर वो अपने घर में हैं, होम मेकर्स हैं, लेकिन इतनी सुंदर हॉबी जिसको वो अपनी भावनाओं से व्यक्त करती हैं, किस किस को पता था इस बात का कि हमारी सोसाइटी इतने रिच है इस क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और सेंटिमेंट्स की? तो हो जाए तालियां, बहुत देर से आप लोगों ने नहीं बजाई, थैंक यू। सारिका कंटिन्यू। दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, सो एवरी डे इज़ अ वुमेंस डे। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि नारियां, लेडीज़, उनके बहुत सारे रूप हैं। वी आर मल्टी टैलेंटेड एक्चुअली। हम होम मेकर हैं, हम कुकिंग करते हैं, हम टीचर्स हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके अलावा हम प्रोफेशनली भी बहुत कुछ करते हैं। बट कई बार इन सब में हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ लिटिल रिक्वेस्ट, और छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सब महिलाओं से कि प्लीज़ अपने आप को मत भूलिए और अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए। तो उसी से मैं एक कविता गाना चाहूँगी। तुम दुर्गा हो, तुम शक्ति हो, तुम दुर्गा हो, तुम शक्ति हो, इस देश की आने वाली प्रगति की जिम्मेदार भी हो तुम। तुम दुर्गा हो, तुम शक्ति हो, इस देश की आने वाली प्रगति की जिम्मेदार भी हो तुम। करो भरोसा खुद पर, करो भरोसा खुद पर, कर सकती हो खुद की रक्षा। जो लड़ जाए अपने सम्मान के लिए, ऐसी तेज तलवार भी हो तुम। अपनी हदें जानती हो, हम सब जानते अपनी हदें, अपनी हदें जानती हो, पर समझे कोई पाँव की जूती तुझे, तो गुस्से की फुहार भी हो तुम। समझे कोई पाँव की जूती, तो गुस्से की फुहार भी हो तुम। वैसे है कोयल सी बोली तुम्हारी, वैसे है कोयल सी बोली तुम्हारी, पर अपनों की रक्षा के लिए शेर की दहाड़ भी हो तुम। अपनों की रक्षा के लिए शेर की दहाड़ भी हो तुम। सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखना कर्तव्य है, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखना कर्तव्य है तुम्हारा, पर खुद की खुशी की भी जिम्मेदार हो तुम, पर खुद की खुशी की भी जिम्मेदार हो तुम। यूँ तो हो ममता की मूरत, यूँ तो हो ममता की मूरत, पर ज़रूरत पड़ने पर चंडी का अवतार भी हो तुम, पर ज़रूरत पड़ने पर चंडी का अवतार भी हो तुम। पढ़ो लिखो बनो जो तुम्हारे मन में हो, पढ़ो लिखो बनो वो जो तुम्हारे मन में हो, क्योंकि सब कुछ पाने की हकदार भी हो तुम। औरत हो तुम, औरत हो तुम, इस जगत की जननी, नहीं चीज़ कोई बेकार की हो तुम। सो आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ अपना भी ध्यान रखिए, फैमिली के साथ साथ अपनी ज़रूरतों को भी इक्वली अहमियत दीजिए। अब इसके साथ साथ एक छोटी सी और कविता मैं गाना चाहूँगी। मैं जैसे कि हम सबका, लेडीज़ का एक सबसे खूबसूरत रूप कौन सा होता है? माँ। हमारी भी माएँ हैं, हम भी माएँ हैं, तो उसको ध्यान में रखते एक छोटी सी कविता मैं आज गाना चाहूँगी, जो पंजाबी में है। आई होप जिसको समझ आए। तो अपनी माँ को याद करते हुए मैंने ये कविता लिखी थी। बहुत सारे ऐसे मूवमेंट होते हैं जो मदर डॉटर के बीच में बहुत स्पेशल मूवमेंट्स होते हैं, तो जस्ट उन्हीं को याद करते हुए। इकट्ठियाँ बैठ के हंसीए निमाएँ, इकट्ठियाँ बैठ के हंसीए निमाएँ, एक दूजे नू दिल दा हाल दसीए निमाएँ। इकट्ठियाँ बैठ के हंसीए निमाएँ, एक दूजे नू दिल दा हाल दसीए निमाएँ। जिम्मेदारियाँ दा चक्या तूए बोझ निमाएँ, वरना याद ते करदी होवेंगी रोज़ निमाएँ, वरना याद ते करदी होवेंगी रोज़ निमाएँ। जानदी हाँ पाबियाँ दे रूप च बेटियाँ तू पाइयाँ निमाएँ, जानदी हाँ पाबियाँ दे रूप च बेटियाँ तू पाइयाँ निमाएँ, पर याद रखी तेरियाँ तियाँ ना होइयाँ पराइयाँ निमाएँ। याद है अज भी, याद है अज भी, वो मेरा स्कूलों का राना, ते तेरा बुर किया पा मेरे मुँह च खवाना निमाए। याद है अज भी वो मेरा स्कूलों का राना, ते तेरा बुर किया पा मेरे मुँह च खवाना निमाए। याद किवें ना करा वो मेरा वीरा नाल लड़ना,
याद किवे ना करा ओ मेरा वीरा नाल लड़ना ते तेरा हर वेले मेरे पल्ले खड़ना किवे पुल्ला ओ बापू जी ने जदों भी मैनू गुस्सा करना ते तेरा फेर मेरे लई ओना नाल लड़ना ते फेर तेरा मेरे लई ओना नाल लड़ना अज भी याद है जदों तू रोंदिया डोली च पाया सी माए किवें दिल दे टुकड़े नू कीता पराया सी माए मैनू अज भी बस तेरे ओही प्यार दी लोड़ निमाए वरना रब ने ना रखी कोई थोड़ निमाए थैंक यू हैप्पी वुमेन्स डे थैंक यू सारिका अब मैं स्वागत करना चाहूँगी श्रीमती रंजना जडौन जी का जो भारतीय नारी के ऊपर कितनी सशक्त है वो कितनी सक्षम है इसको लेके उन्होंने एक कविता बनाई है और वो हमारे समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हैं तो ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए तालियों की बहुत ही कमी हो रही है बहुत सारे लोग जा भी चुके हैं लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ जितने लोग हैं उनसे ही तालियों की इतनी आवाज़ आए कि ये पूरा होम्स 1-2-1 गूंज उठे तो स्वागत कीजिए रंजना जडौन जी का मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागणों का अभिनंदन करती हूँ मैं माँ भारती का अभिनंदन करती हूँ और मैं संपूर्ण मातृशक्ति का अभिनंदन करती हूँ और मैं संपूर्ण मातृशक्ति का अभिनंदन करती हूँ जिसकी बदौलत हम यहाँ खड़े हुए हैं दूसरा मैं यहाँ की सभी महिलाओं को जो यहाँ उपस्थित हैं जो अपने घर की कोरोना वॉरियर थी कोरोना काल में उन सब के लिए तालियां चाहूंगी कि जिन सब ने कोरोना काल में अपने परिवार को इतने अच्छे से संभाला एक डॉक्टर की तरह एक गृहिणी की तरह और बच्चों के साथ पढ़ा भी और उन्हें पढ़ाया भी अब मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है भारतीय सक्षम नारी यानी हमारे भारत की सक्षम नारी जो आज की नवीन युग की नारी है जो किसी से डरती नहीं है वो सक्षम नारी नवीन युग की नारी हूँ मैं नवीन युग की नारी हूँ मैं सक्षम और सबल हूँ मैं सक्षम और सबल हूँ मैं माँ का आध्यात्म पक्ष हूँ पिता का भौतिक स्वरूप दृष्टिकोण हूँ मैं पिता का भौतिक स्वरूप दृष्टिकोण हूँ मैं परिवार की जिम्मेदारी प्यार से निभाती हूँ कामकाजी महिला हूँ दफ्तर भी जाती हूँ परिवार की जिम्मेदारी प्यार से निभाती हूँ कामकाजी महिला हूँ दफ्तर भी जाती हूँ दोनों में सामंजस्य बिठाकर खुश हूँ मैं हाँ नवीन युग की नारी हूँ सक्षम और सबल हूँ मैं परिवार बच्चों के लिए आत्मा का स्वरूप हूँ बच्चों के लिए आत्मा का स्वरूप हूँ स्वभाव में लज्जा ममता और करुणा लिए आहट होने पर ज्वाला का स्वरूप हूँ मैं हाँ नवीन युग की नारी हूँ सक्षम और सबल हूँ मैं कदम से कदम मिलाकर चलना आता है मुझे गलत राह को परखना आता है मुझे कमजोर नहीं हूँ देश का सम्मान हूँ हाँ नवीन युग की नारी हूँ सक्षम और सबल हूँ मैं मुझे अबला समझने की भूल न करना साथियों विपत्ति में ज्वाला और काली का रूप हूँ मैं हाँ नवीन युग की नारी हूँ सक्षम और सबल हूँ मैं मेरी ममता तले देश का भविष्य है मेरी कल्पना अंतरिक्ष को छूती है दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए
दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए या अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए हर समय तैयार हूँ मैं। हाँ, नवीन युग की नारी हूँ, सक्षम और सबल हूँ मैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, जोरदार। आज लगता है किसी ने भी खाना घर से नहीं खाया ठीक से। चाय अच्छी नहीं मिली थी क्या? तेज प्लीज नोट, चाय अच्छी नहीं मिली थी इसलिए तालियां नहीं बज रही हैं, ठंडी चाय थी। जोरदार तालियां। अब मैं स्वागत करना चाहूंगी मिसेज अर्चना अग्रवाल जी का। उन्होंने आज एक कविता ऐसी लिखी है जो सच में मेरे दिल को छू गई, भ्रूण हत्या। लेकिन वो क्यों और किस कारण हुई उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में बयान किया है। तो प्लीज़ वेलकम, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अर्चना अग्रवाल जी का। धन्यवाद ज्योति। तो आज आपके बीच में मैं एक छोटी सी कविता लेकर आई हूँ और मेरी कविता का टॉपिक है भ्रूण हत्या। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर तरफ नारी सशक्ति की आवाज़ है, महिलाओं को मिल रहा हर अधिकार है। हर तरफ नारी सशक्तिकरण की आवाज़ है, महिलाओं को मिल रहा हर अधिकार है। देखने में ये कितना अच्छा ख्याल है पर हकीकत में ये सिर्फ माया जाल है। कितनी गीता बबीता नीरजा गुंजन की पहचान है, कितनी गीता बबीता नीरजा गुंजन की पहचान है। आज भी निर्भया लक्ष्मी दरिंदों का शिकार है, आज भी लक्ष्मी निर्भया दरिंदों की शिकार है। बेटी जन्म के साथ ही इस डर का आगाज है, बेटी के जन्म के साथ ही इस डर का आगाज है। इसलिए शायद आज तक बेटियां भ्रूण हत्या की हकदार है, इसीलिए शायद आज तक बेटियां भ्रूण हत्या की शिकार है। बस बहुत हुआ ये नाटक नारी को आगे बढ़ाने का, बस बहुत हुआ नाटक अब नारी को आगे बढ़ाने का। अब वक्त है न नारी को समानता के साथ चलाने का, अब वक्त है न नारी को समानता के साथ चलाने का। हर माता पिता को अपना फ़र्ज निभाना होगा, हर बेटी को अभिमन्यु सा बनाना होगा। हर माता पिता को अपना फ़र्ज निभाना होगा, हर बेटी को अभिमन्यु सा बनाना होगा। कोख से ही इस दुनिया रूपी चक्रव्यूह से लड़ने का कौशल सिखाना होगा, कोख से ही इस दुनिया रूपी चक्रव्यूह से लड़ने का कौशल सिखाना होगा। कृष्ण सा सारथी बन महाभारत में जिताना होगा, कृष्ण सा सारथी बन महाभारत में जिताना होगा। पंछियों सा खुले आसमान में उड़ाना होगा, पर नाव सा तूफानों से भी लड़ाना होगा, पर नावों सा भी तूफानों से लड़ाना होगा। गम छुपाकर हंसना नहीं, खुलकर रोना सिखाना होगा, गम छुपाकर हंसना नहीं, रोना खुलकर रोना सिखाना होगा। बेटी को बेटा नहीं, बेटी को बेटी कहकर बुलाना होगा, बेटी को बेटा नहीं, बेटी को बेटी कहकर बुलाना होगा। कितनी खुश किस्मत है मेरी, कितनी खुश किस्मत हूँ मैं कि ऐसे ही माता पिता को पाया, कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं जो ऐसे माता पिता को पाया। उन्होंने ज़िंदगी की हर लड़ाई हौसले से जीतना सिखाया, उन्होंने ज़िंदगी की हर लड़ाई हौसले से जीतना सिखाया। अब मेरा फ़र्ज़ है कृष्णा बन जाने का, अब मेरा फ़र्ज़ है कृष्णा बन जाने का। अपनी बेटी को अर्जुन की तरह लक्ष्य तक पहुँचाने का, अपनी बेटी को अर्जुन की तरह लक्ष्य तक पहुँचाने का। कोशिश करूंगी कृष्णा बनने की, कोशिश करूंगी कृष्णा बनने की। शायद वो अर्जुन बन जाए, अपना हक वो पा जाए, महाभारत कभी ना लड़ी जाए। धन्यवाद। अभी तो कविता पढ़ लेंगे, धन्यवाद। नमस्कार सभी को और हमारे अतिथियों को भी बहुत बहुत नमस्कार, आभार हम आपका जो है व्यक्त करते हैं। आपने अपने अमूल्य समय से हमारे लिए निकाला, थोड़े पल निकाले, उसका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ले लो माइक।
चली गई हैं उनके पास। अच्छा कुछ लोग चले गए जिस पर सोच ना इट्स नॉट अकाउंट आई एम आल्सो मैं ऐसे नहीं बोल रही हूं आई डोंट लाइक दिस है इसके बच्चे बने हैं इसके बच्चे खड़े हैं नोटिस बोल रही हूं। आप एक बार प्लीज मेरी सुनिए किस तरीके से मैंने अपने आप को लिख कर बताया। हर वर्ष की तरह 8 मार्च का दिन महिला शक्ति के कारण से ही जाना जाता है। इस दिवस को हम सब बहनों की इतनी प्रतीक्षा होती है कि कब 8 मार्च का दिन आए और हम उन बहनें मिल करके देश के प्रति समाज के प्रति परिवार के प्रति अपने सखी संबंधियों के लिए भी समस्याओं को दूर करें और उन पर विचार विमर्श करें। महिला के विषय में पूज्य हाली जी ने लिखा है महिला के विषय में पूज्य हाली जी ने लिखा है तू किसी की बहन है किसी की चाची तो किसी की ताई नानी और दादी है सचमुच तू शहजादी है दादी है सचमुच तू शहजादी है तुझ में ही परिवार शोभामान होता है। गृहस्थी की गाड़ी का मजबूत पहिया है। नारी के बिना संसार नीरस है। नारी ने ही बड़े बड़े महान भावों कवियों संतों को यहाँ तक कि भगवान राम और कृष्ण को भी जन्म दिया है। राम जन्म को जो भी हमारे धरता करता है। अगर किसी ने नारी को धिक्कारा है तो वो सही नहीं है। नारी पुरुष का श्रृंगार है। नारी पुरुष का श्रृंगार है। नारी बहनों के रूप में भाई की कलाई पर राखी की बांध कर उनकी दीर्घायु की दुआएं करती है। परिवार का लालन पोषण करती है। वह तो उनका कर्तव्य है। आज नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। देश की प्रगति समाज का विषय देश में नौकरियां के बड़े बड़े ओहदे पर नारी को सौंपे गए हैं। आज हमारे देश की नारी एरोप्लेन चला रही है। कल्पना चावला को ही देख लो जो अंतरिक्ष की नीरज के लिए गई थी लेकिन आखिर में आकर के उन्होंने अपना दम तोड़ा इस और हमारे देश की नारी चांद पर पहुंची। इसी तरीके से हमारे देश की महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भी देश की प्रधानमंत्री की पत्नी को संवारा और इसी तरीके श्रीमती सुनीता पाटिल राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित रही। नारी हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है। आओ आज हम इस शुभ दिन पर उन संबंधियों को बहनों को जो शिक्षा से वंचित हैं धन से अभाव हैं अनपढ़ हैं उनकी समस्याओं को मिलजुल कर सुलझाएं ताकि हमारी नारी शक्ति को दिन प्रतिदिन मजबूत बने। इससे के साथ ही मैं वाणी को विराम देती हूँ। अंत में नारी तू जगदम्बा है नारी तू सचमुच है वरदान। तेरे ही कारण आज देश इतना बना महान। तेरे में जो शक्ति है मानो हो भगवान सचमुच तू में घर की शान। इसी तरीके मैं छोटी सी कविता भी आपके सामने पेश करूंगी। कौन कहता है कि नारी कमजोर है आज भी उसके हाथ में अपने सारे घर की डोर है। वो दो तरफ दफ्तर भी जाती है और अपने घर परिवार को भी संभालती है। एक बार नारी की जिंदगी को जी कर को तो देखो वो किस तरीके से घर को संभालती है। अपने मर्द होने का घमंड यूं उतर जाएगा। अब हौसला बन तू उसकी नारी का जिसने जुल्म सहकर भी तेरा साथ दिया। ऐसी जिम्मेवारियों का बोझ भी खुशी से तेरे संग बांट लिया। चाहती तो वो कह देती मेरे में नहीं होता। उसके ऐसे कहने पर फिर भी तू अपने बोझ के तले रोता। जय हिंद। थैंक यू रानी आहूजा आंटी जी। अब मैं स्वागत करना चाहती हूँ नेहा अग्रवाल जी का। नेहा अग्रवाल जी एक बहुत ही अच्छी
आपको बिल्कुल ही अलग कविता प्रस्तुत करेंगी। इसमें संवाद है नारद जी और दुर्योधन का, उस संवाद को सुनिए और समझिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं नेहा आज आपके समक्ष एक महाभारत की कहानी से उद्धृत, उसमें मन आया कि मैं एक कविता लिखूं। कहानी है, बेसिक कथा है, पर उसको मैंने कुछ पंक्तियों में लिखा है। मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आँख खुली पाया मैंने ना पंख मेरे पास रहे, बिन पंख अब जीऊँ कैसे, अब जीवन क्या मेरे पास रहे। इसकी मुख्य पात्र है शांडलिनी, उनके ऊपर ये वो है। सोचा ना पाप को या मैंने कोई, फिर किस कारण यह हाल रहे। सोचा ना कोई पाप किया मैंने, फिर किस कारण यह हाल रहे। तब गालव ऋषि ने पूछा, हे पक्षीराज नहीं समझ आया मुझको, हे पक्षीराज नहीं समझ आया मुझको, किस कारण तेरा यह हाल हुआ, बता तुझसे क्या यहाँ पाप हुआ। तब पक्षीराज डरकर बोला, हे ऋषि प्रवर स्वप्न देखा एक मैंने, जिसमें शांडलिनी को लेकर मैं चला प्रभु चरणों की ओर, जिसमें शांडलिनी को लेकर मैं चला प्रभु चरणों की ओर, चाहा था उद्धार करूं उसका, पर उसने मुझको ही श्राप दिया। चाहा उसे प्रभु चरणों में रखाऊं, पर उसने मुझको पंख विहीन किया। तब ऋषि ने पुनः कहा उससे, हे विनता नंदन पक्षीराज, क्या तेरे मन में आया था जो तूने यह अपराध किया, अब सच बतलाकर क्षमा मांग, तब तुझे यहाँ क्षमादान मिले। तब पक्षीराज ने सत्य कहा, हे मात मुझे तुम क्षमा करो, उसके लिए अब मुझको दंड न दो जो यह पाप किया मैंने। सोचा एक सुंदर पवित्र नारी इस वन में रहे कैसे, पहुँचा आऊँ उस उपवन में जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश रहें, पहुँचा आऊँ उस उपवन में जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश रहें। हे देवी क्षमा करो मुझको, पुनः मेरे पंख प्रदान करो। तब शांडलिनी ने प्रसन्न होकर यह वर उनको प्रदान किया, हे पक्षीराज अब जाओ तुम, मैंने तुमको क्षमादान दिया। पहले से भी बलिष्ठ व सुंदर पंख तुमको प्रदान किया। हे सुपर्ण घोर अपराध किया तूने, इस कारण पंख विहीन हुआ। मेरी इच्छा को जाने बिन कैसा ये घोर कुकृत्य किया। यह घोर कर्म है पाप जघन्य, इसका नहीं कहीं कोई क्षमादान। मैं शुद्ध अनिंदित सदाचारी शुभ लक्षणा एक नारी हूँ, एक जिसने वर्षों इस पर्वत पर करी तपस्या भारी है। यदि पुण्य फल पाना चाहो तो अपमान न करना नारी का, मन में भी स्पर्श न करना तुम एक पुण्य भारतीय नारी का, मेरी कविता का सिर्फ इतना ही सार है कि स्वप्न में भी स्त्री का स्पर्श करना जघन्य पाप है। हमारी सनातन संस्कृति में स्त्री साक्षात शक्ति स्वरूपा मानी गई है। अंत में नारी का सशक्तिकरण के ऊपर चंद पंक्तियाँ जो संपूर्ण नारी शक्ति को समर्पित हैं। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। अच्छी लगे तो कृपया तालियों से स्वागत करिए। बिल्कुल 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 बोलिए। मैं शक्ति हूँ मैं भक्ति हूँ, मैं माया हूँ मैं छाया हूँ, मैं काली हूँ मैं त्रिलोकी पर भारी हूँ, कल्याणी हूँ जगपालन हारी हूँ, मैं नारी हूँ। क्या बात है, आपने प्राउड फील करा दिया फाइनली। थैंक यू सो मच। नाउ वील रिक्वेस्ट एक जाना माना पहचाना चेहरा जो अक्सर आपको इंग्लिश करेक्शंस करता हुआ मिलेगा, वो आज हमारे लिए एक बहुत सुंदर सॉन्ग गाने वाली है। तो मीता भट्टाचार्य जी का
तालियों के द्वारा स्वागत किया जाए। एक कलाकार सिर्फ ताली मांगता है यार, वो भी तुम लोग नहीं दे रहे हो, दे दो प्लीज। कम ऑन प्लीज प्लीज, थैंक यू। मैं आज गाना गाने वाली हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका टाइटल है बेखौफ। दीवारें ऊंची हैं, गलियां हैं तंग, लम्ही डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव में छाले हैं सांसों में तंग, लड़नी चली हूँ मैं आज एक जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, 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 रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग, बेखौफ आजाद है चलना मुझे, बेखौफ आजाद है उड़ना मुझे, बेखौफ रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे। दीवारें ऊंची हैं, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव में छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है उड़ना मुझे, बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। किसको पता था कि मीता इतना अच्छा गाती है? क्या किसी को आइडिया था? ओके दैट्स नाइस। मीता, लोग जानते हैं कि तुम गाती हो, क्या बात है, थैंक यू सो मच। अब हम अंजू जी का स्वागत करेंगे और शर्त वही है कि स्वागत करने के लिए तालियों की जरूरत है। थैंक यू सो मच अंजू जी, शुरू। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है और वुमेंस डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई। चीफ गेस्ट तो चले गए हैं, ठीक है, उनको भी हमारी तरफ से बधाई है। ठीक है, मैं कुछ नारी के मन की बात कहूँगी। जो छोटी छोटी बातों में भी खुशियाँ ढूंढ लेती है अपने लिए, उसे कोई बड़ी बड़ी ख्वाहिशों की दरकार नहीं होती है। तो सुनिए आप, बड़ी बड़ी ख्वाहिशों की नहीं है दरकार हमें, हम तो विंडो शॉपिंग में ही अपनी खुशियां ढूंढ लेते हैं। क्या बात है। और इसे हमें नहीं इंतज़ार एक वुमेंस डे का, हम तो हर दिन को अपना दिन बना लेते हैं। सुबह से शाम तक की प्लानिंग करके छोटी बड़ी हर दिन हम अपना मनाते हैं। कभी अपने बच्चों का मन रखने के लिए हम रोटी पिज़्ज़ा भी बना देते हैं, और कभी खट्टी मीठी भेल पूड़ी और तीखी चटपटी पानी पूड़ी बना के हम अपने ज़िंदगी में तड़का लगा लेते हैं। और अपने नहीं, अपनी फैमिली के लिए, हम अपने ख्वाबों के लिए, उनके ख्वाबों के लिए हम जीते हैं, और उनकी सफलता के लिए हम अपने अरमानों से लड़ते हैं। हम नहीं चाहते अपने संघर्ष के लिए कोई अवार्ड, कोई सर्टिफिकेट या कोई उपहार, हम तो चाहते हैं बस एक छोटा सा रिवॉर्ड, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा प्यार, और उसी में हम अपने आप को गोल्ड मेडलिस्ट समझ लेते हैं।
बस यही कहना चाहूँगी मैं कि नारी संघर्ष की कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। आखिरी सांस तक वो अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए सब कुछ बलिदान कर देती है, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी तमन्नाओं को सब ख़त्म कर देती है अपने परिवार के लिए। आप सबको बहुत बहुत बधाई वुमेंस डे की और थैंक यू यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजू जी, आपने इतना सुंदर बोला कि इसके आगे बस मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। नदी खारे समुंदर के लिए जज्बात से तर है, नदी खारे समुंदर के लिए जज्बात से तर है, समुंदर को पता है ये नदी का मुकद्दर है। नदी खारे समंदर के लिए जज्बात से तर है, समंदर को पता है ये नदी का मुकद्दर है। वफा और बेवफाई की मिसालें यही दोनों, समंदर की कई नदियाँ, नदियाँ का एक समंदर है। थैंक यू सो मच। आई होप ये मैसेज पहुँचा होगा बहुत के दिलों तक जो अंजू जी कहना चाहती थी अपनी पंक्तियों में। थैंक यू सो मच मीना जी, आइए स्टेज पे, स्टेज आपका, ऑडियंस आपकी, तालियों से बताएं कि हम कितना प्यार करते हैं। आपके द्वारा ही उनके लिए बोला गया है। मैं आज आपको नारी शक्ति के कुछ रूप बताना चाह रही हूँ। नारी शक्ति का स्वरूप सरस्वती का रूप होती है, नारी लक्ष्मी का रूप होती है, जब पड़ जाए दुनिया पर अत्याचारी नारी दुर्गा काली का रूप होती है। कौन कहता है कि नारी कमजोर होती है, आज भी नारी घर के हाथों में अपनी घर की पूरी जिम्मेदारी की डोर होती है। हम सोचते हैं यदि दुनिया में माँ ना होती तो धरती के लिए प्यार के लिए तरसती। नारी है अनमोल, प्रेम सब इनसे नर लो, नारी सुख की खान जीवन में भर लो। मानो या मत मानो, मत करो नारी का अपमान, क्योंकि नारी है देश की शान। हैप्पी वुमेन्स डे। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। मीना जी को मिल गया। थैंक यू मीना जी, बहुत अच्छी कविता आपने बोली है। हो गया, हो गया, खत्म। एंड कर दो, कंफ्यूजन करो एक बार। हाँ, मैं कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ आप सबके सामने गीत के माध्यम से। उड़ने दो उन्मुक्त गगन में पंख, पंख मेरे ना काटो तुम। उड़ने दो उन्मुक्त गगन में पंख मेरे ना काटो तुम। बहने दो मस्त मस्त मदमस्त पवन में गति मेरी ना रोको तुम। बहने दो मदमस्त पवन में गति मेरी ना रोको तुम। इस धरती से उस अंबर तक पंख मुझे फैलाने दो, इस धरती से उस अंबर तक पंख मुझे फैलाने दो। छू लेने दो चांद मुझे भी, स्वप्न मेरे ना तोड़ो तुम। छू लेने दो चांद मुझे भी, स्वप्न मेरे ना तोड़ो तुम। अभिशाप क्यों कहते हो मुझको, मैं तो एक वरदान हूँ। अभिशाप क्यों कहते मुझको, मैं तो एक वरदान हूँ। किस्मत से जो मिलता है मैं वो एक कन्यादान हूँ। किस्मत से जो मिलता है वो मैं तो एक कन्यादान हूँ। वापस आ गई, भूल गई, सॉरी, लाइट में दिखाई नहीं दे। कोई बात नहीं। मैं फिर से बोल दूं, अभिशाप क्यों कहते हो मुझको, मैं तो एक वरदान हूँ। किस्मत वालों को मिलता है ऐसा कन्यादान हूँ। प्रेम
जाओ तुम, मैं भी तो एक मानव ही हूँ, दिल को ये समझाओ तुम। उड़ने दो उन्मुक्त गगन में पंख मुझे, पंख मेरे ना काटो तुम। बहने दो मदमस्त पवन में गति मेरी ना रोको तुम। धन्यवाद। Here's का नाम है A Change for Good। अगर हम कोई ओरिजिनल पोम सुने जो कोई भी कवि लिखता होगा, ओरिजिनल ये इंग्लिश में है। कंटिन्यू आप बोलिए। तो वो ओरिजिनल कुछ ऐसे होगी, द विलिंगनेस टू लिसन, द पेशेंस टू अंडरस्टैंड, द स्ट्रेंथ टू सपोर्ट, द हार्ट टू केयर एंड जस्ट टू बी देयर, दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ वुमन। जी बिल्कुल, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है और ये सच भी है काफ़ी हद तक, बट मेरे ख्याल से इसमें एक छोटा सा चेंज होना चाहिए जो कि आगे है। एक्सेप्ट टू सी हर एट अ हायर पोजिशन, ओपन योर ईयर्स टू लिसन टू अ वुमन, लेंड अ ड्रॉप ऑफ सपोर्ट एंड सी हाउ शी टर्न्स इट इन टू एन ओशन, केयर फॉर हर जस्ट एज यू वुड वॉन्ट हर टू डू, बी देयर फॉर हर व्हेनेवर शी ब्रेक्स थ्रू, दैट्स ऑल व्हाट शी होप्स एंड वॉन्ट्स। Let us help succeed every woman that stood. My dear, that will be the change for good. Thank you. Wow, beautiful. Vanchika, आपने बहुत अच्छा बोला। And it meant कि इस उम्र में भी वो इतनी active हैं और part बढ़ चढ़ के participate करती हूँ, तो मैं गरिमा जी से चाहूँगी कि उनका सम्मान करें। सत्तर साल। अरे वाह, बहुत तालियों से स्वागत करिए कि इस उम्र में भी आंटी में इतना जोश है और वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती है। प्रेरणा स्रोत ये हमारे लिए, प्रेरणा स्रोत है। एक फोटो ले लो। थैंक यू, थैंक यू। ये हमारे लिए आपका भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप मुझे थोड़ा सा समय दे देती हैं, मुझे उत्साह होता है, मुझे अच्छा लगता है। नहीं नहीं आंटी, आंटी ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच हैं। और थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। अब एक लास्ट कंटेस्टेंट हमारी रह गई है, श्रीमती रूबी जी, प्लीज कम। आज समापन आपके द्वारा ही होगा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रूबी जी का। आ जाओ, बैठ जाओ। जिसके लिए बोल रही हूँ, जिसे ने मुझे इतना उत्साहित किया है, वो लोग तो सुन लें। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी वुमेंस डे। मैंने कुछ बहुत ज़्यादा, कुछ बहुत बड़ा नहीं लिखा है, क्योंकि कुछ तैयारी नहीं की थी, जस्ट आप लोगों के लिए चंद लाइनें मैं बोलना चाहती हूँ। नारी का अस्तित्व, नारी का अस्तित्व जो सबसे शक्तिशाली है, नारी का अस्तित्व जो सबसे शक्तिशाली है, ज़मीन पर रहकर भी जो आसमां पर भारी है, जिसके होने से चलती ये दुनिया सारी है, ईश्वर भी खुद उसके आभारी हैं, जिसके रहने से चलती ये दुनिया सारी है, ईश्वर भी खुद उसके आभारी हैं, हर दर्द सहकर भी जो मुस्कुराना जाने, मुश्किलों में भी जो कभी हार ना माने, हर दर्द सहकर भी जो मुस्कुराना जाने, जो मुश्किलों में भी कभी हार ना माने, उसके हौसलों की बहुत ऊंची है उड़ान, उसके हौसलों की बहुत ऊंची है उड़ान, जिसके सामने सर झुकाता है आसमान। हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू। बहुत सुंदर बोला आपने। और अब हम इस प्रोग्राम को कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये लास्ट कुछ पैरा, कुछ लाइंस कंक्लूड करने के लिए। वो जिस पर रब की रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या? वो जिस पर रब की मेहनत हो वो दौलत मांगता है क्या? मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या? तुम्हारा दिल कहे जो भी उजाला बन के आ जाना, कभी उगता हुआ सूरज इजाज़त मांगता है क्या? तो हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल। अपने आप को
प्रोत्साहित कीजिए, अपनी पीठ थपथपाइए, गर्व महसूस कीजिए कि मैं एक नारी हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशंस, थैंक यू सो मच। चलो जी, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को भी वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। हम वुमेन ही हैं, बुला रही हैं। हाँ जी मैडम, चलो गाने गाएं, गाने गाएं, आओ ना गाने को गाएं। तुम बताओ, बता जल्दी, बता जल्दी, जल्दी बोलो। ये देश है वीर जन, अरे जल्दी बोलो जल्दी। जन मन माइक है ना उस साइड, दो मिनट किधर है माइक? अरे भैया ऐसे मत करो, जल्दी से जल्दी बोलो जल्दी, तो बोल जल्दी। ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो, मन में प्यार भरा और दिल में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। श्रृंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, श्रृंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, तू सादगी झूलों की, तू सादगी का कहना, तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत, मैं देखूं बार बार, मन में प्यार भरा और उंगलियों के धार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, हाय कितनी सुंदर हो। हैप्पी वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस डे। भाई भारत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हैप्पी वुमेंस डे, सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी वुमेंस डे। आज हम न्यूज फाइव भारत जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, हम भी, जिन्होंने आज होम्स 1-1 सेक्टर 1-1 में एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म हमें दिया, उसके लिए थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच, न्यूज फाइव भारत ब्यूटीफुल लेडीज, ये हैप्पी वुमेंस डे। अच्छा जो कभी पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते, ये किसी ने आज नहीं कहा?